दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। कौन सी वो 5 बड़ी खबरें हैं वो आपको जल्दी से बता देते हैं। इस बुलेटिन में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो खबर है वो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबर, हरियाणा से जुड़ी हुई ये खबर है। सैनी सरकार का पहला सत्र की अब शुरुआत होने जा रही है। विधानसभा के अध्यक्ष के नाम पर पहले चर्चा हुई, प्रस्ताव रखा गया और उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद अध्यक्ष को चुन लिया गया, विधानसभा अध्यक्ष को। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो नामांकन का आज आखिरी दिन है झारखंड में। तीसरी बड़ी खबर की अगर चर्चा करें तो राज्य उत्सव की तारीखों में बदलाव हुआ है छत्तीसगढ़ में। इधर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई भी एक बड़ी खबर है। चौथी ये बड़ी खबर है कि एनसीपी में शामिल हुए जीशान, जो कि बाबा सिद्दीकी के बड़े बेटे रहे हैं। मस्जिद को लेकर एक तरफ जहां उत्तराखंड में लगातार बवाल जारी है, ऐसे में धारा 163 लागू कर दी गई है। और चलिए अब आपको पहली बड़ी खबर बता देते हैं, हरियाणा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां हरियाणा विधानसभा का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। हरविंदर कल्याण को अध्यक्ष बनाया गया है। शुक्रवार को आपको बता दें कि विधानसभा सत्र में सीएम नायब सैनी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। इसके बाद हरविंदर कल्याण सीएम से गले लगे। सीएम ने कल्याण को कुर्सी पर बैठाया। हरविंदर कल्याण आपको बता दें कि करनाल की घरौंडा सीट से लगातार 3री बार विधायक बनी है। वहीं डिप्टी स्पीकर पर फैसला भी होल्ड रखा गया है, डिप्टी स्पीकर पर फैसला भी नहीं हुआ है। तो हालांकि डिप्टी स्पीकर को लेकर अभी भी चर्चाएं चल रही है, लेकिन अभी ये फैसला होल्ड रखा गया है पार्टी की तरफ से। लेकिन हरविंदर कल्याण को विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया है। चर्चाएं भी चल रही थी उनके नामों की और जिस तरीके से चर्चाएं थी और उसी हिसाब से उनको मौका दिया गया है। 3 बार के वो विधायक रहे हैं, लेकिन अब डिप्टी स्पीकर की बात करें तो कौन होगा, इसको लेकर लगातार कयासों का दौर जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता संजय कुमार फुल लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से चर्चाएं थी कि स्पीकर का फैसला हो जाएगा और स्पीकर का नाम तो सामने आ गया, लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर क्या लग रहा है, कब तक ये फैसला होल्ड रखा जाएगा पार्टी की तरफ से? तो अब समय के इसमें संदर्भ के गर्म में है कि डिप्टी स्पीकर का नाम किसका लिया जाएगा। हालांकि जो चर्चाएं हैं वो जींद से विधायक डॉक्टर कृष्णा मिड्डा को लेकर काफी जो राजनीति गलियारों में चर्चाएं चली हैं उनको लेकर है, और उसके लिए मिड्डा जी भी पूरे आश्वस्त है कि ये जो जो चर्चाएं चली है उन पर जो है मोहर लगा दी जाए और जींद के जो विधायक है डॉक्टर कृष्णा मिड्डा को डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया जाए और जो है अरविंद कल्याण को अब ना जो है स्पीकर का जो अध्यक्ष पद का दे दिया गया है। जी प्रशंसा जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचवाने के लिए संजय। और चलिए बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की, झारखंड से जुड़ी हुई ये दूसरी बड़ी खबर है, जहां नामांकन का आज आखिरी दिन है और झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। गुरुवार को नॉमिनेशन का नया रिकॉर्ड बना, जहां एक दिन में 333 से अधिक कैंडिडेट्स ने अपना पर्चा दाखिल किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले फेज में राज्य में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 43 सीटों पर एक साथ चुनाव हो रहे हैं। इसके पहले के चुनावों की अगर हम बात कर लें 2014 और 2019 की, तो पहले चरण में 13-13 सीटों पर ही चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार 40 से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, इसलिए नया रिकॉर्ड इस बार बना है। एक साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन दाखिल किया है। एनडीए के 39 और इंडिया ब्लॉक के 29 प्रत्याशी इसमें शामिल है। इसके साथ ही जेएमएम की बात करें तो खूंटी से अपना प्रत्याशी जेएमएम ने बदल दिया है। स्नेहलता कंजुलना की जगह सूर्य मुंडा को मैदान में उतारा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, संवाददाता प्रमोद हमारे साथ फुल लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, जेएमएम ने अपने एक प्रत्याशी को बदल दिया है, क्या कारण इसके पीछे रहा जरा ये भी समझाइएगा। और इस बार अगर हम देखें तो 2014 और 2019 के मुकाबले इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है, क्योंकि पहले फेज में बहुत ज्यादा सीटों पर चुनाव हो रहा है, 40 से ज्यादा सीटों पर चुनाव है, इसलिए कैंडिडेट्स भी ज्यादा है। बता दूं जहां पर अभी हम पहुंचे हुए हैं, या अभी हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री का चुनावी सभा होने वाला है यहां पर टेटावार के पास में बुखार जिला पड़ता है, जहां पर सभी प्रत्याशी यहां पर जो उनकी समस्या प्रसाद तो जयमन जो उम्मीदवारी दी है उनका वो भी मंच यहां पर पहुंचे हुए हैं। उमाकांत राजे जो आज जो पार्टी से छोड़ करके आए हैं, चंदन क्यारे नामांकन राशि किया वो भी है, और मंत्री पूर्व मंत्री देवी देवी जो डुबरी से चुनाव लड़ रहे हैं, नामांकन दाखिल करने के बाद उनका चुनावी सभा है। तो आज जो पहला यह चुनावी सभा यहाँ पर हो रहा है मुख्यमंत्री का, हेमंत सोरेन का थोड़ी देर संबोधित करेंगे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। तो ये कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन की जो जो 40 सीटों पर जो उम्मीदवारी दी गई है, और इसके कहीं ना कहीं जो है पूरी ताकत लगा हुआ है इंडिया गठबंधन की ओर से कि इस बार भी सरकार इंडिया गठबंधन की बने।
बिल्कुल, तमाम कोशिशें यहाँ पर पार्टियों की तरफ से की जा रही है। एक बार फिर से कोशिश रहेगी इंडिया गठबंधन की कि सरकार वो बना पाए, और झारखंड में इसी कोशिश के तहत लगातार जो मुख्यमंत्री हैं चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। महाराष्ट्र से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी अपने पिता की राह पर चलते हुए एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हो गए हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल होते ही पार्टी ने उनको टिकट देने का ऐलान कर दिया। दरअसल आपको याद होगा कि कांग्रेस ने जब अपनी पहली लिस्ट जारी की थी तो उसमें जीशान का नाम शामिल नहीं था। उसके बाद से ही ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि वो अजीत पवार के गुट में शामिल हो सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, पहली बार चुनाव लड़ा था तो चुनाव जीते भी थे, और अब जिस सीट से सिटिंग एमएलए हैं उसी सीट से एक बार फिर से चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया था, उसके बाद से नाराजगी उनकी सामने भी आ रही थी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे संवाददाता ब्यूरो चीफ संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संदीप, जिस तरीके से संभावनाएं थी कि वो कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं और उसके बाद अजीत पवार के गुट में शामिल होंगे, लगभग कुछ हुआ भी वैसा ही है, और जैसे ही उन्होंने पाला बदला और उसके बाद उद्धव ठाकरे पर तमाम आरोप उन्होंने लगाए भी हैं। जी बिल्कुल, एनसीपी के जो एनसीपी में अभी एनसीपी के लिए है वो उन्होंने एंट्री कर दी है, क्योंकि उन कांग्रेस के जो है वो सीट नहीं मिलने पर उन्होंने एनसीपी ज्वाइन की है, और उनके जहाँ पे कांग्रेस की सीट थी वहाँ पे जो है उभाटा के नेता जो है उनको टिकट दे गई है। इसके चलते जो है जीशान सिद्दीकी ने अभी एनसीपी में प्रवेश लिया है। इनके पापा ने जो है एनसीपी में प्रवेश लेने के बाद अभी पापा के देहांत होने के बाद जो है उन्होंने अभी एनसीपी में प्रवेश लिया है। अभी बताया जा रहा है कि महागठबंधन की जो बांद्रा ईस्ट की शिवसेना के शख्स से चल रहा था, और इसके बाद जो है वरुण देसाई को यहाँ पर टिकट दे दिया है। इसके चलते जो है विशाल सिद्दीकी ने अपने एनसीपी अजीत पवार गुट में प्रवेश लेके अभी उनको बांद्रा ईस्ट जो है उनको टिकट दिया जाएगा। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए संदीप। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां पर राज्योत्सव की तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया था, मध्य प्रदेश से अलग ये राज्य हुआ था। राज्य स्थापना दिवस पर जिला प्रशासन इस बार 5 नवंबर को राज्योत्सव मनाएगा। कारण ये है इसके पीछे का, क्योंकि 1 और 2 नवंबर को त्योहार के मद्देनजर सभी बिजी रहेंगे, इसलिए राज्योत्सव की तैयारियां पहले जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन समीक्षा बैठक हुई इसी दौरान और अधिकारियों को अब ये निर्देश दिए गए हैं कि तारीखों में बदलाव है। कार्यक्रम स्थल की बात करें तो विभिन्न विकास विभागों की विभागीय प्रदर्शनी में उपलब्धियां, इसके साथ ही महत्वपूर्ण योजनाओं, सफल परियोजनाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। इसके साथ ही 1 से 6 नवंबर तक की बात करें तो सभी शासकीय भवनों में रोशनी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्योत्सव 2024 की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली, और समीक्षा बैठक के दौरान ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव के साथ राज्योत्सव मनाने की अपील की है। तो तारीखों में बदलाव किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि हर साल राज्योत्सव मनाया जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन इस बार तारीखों में बदलाव दिवाली के त्योहार के मद्देनजर किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, संवाददाता सुधीर वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुधीर, बदलाव किया गया है, बीते रोज समीक्षा बैठक हुई और बैठक में ये फैसला लिया गया है कि त्योहार के मद्देनजर लोग बिजी रहते हैं अक्सर हम देखते हैं, इसलिए ये बदलाव है या फिर कोई और कारण इसके पीछे? जी बिल्कुल, त्योहारों की व्यस्तता के चलते इस बार जो राज्योत्सव का जो कार्यक्रम है उसमें भी कहीं ना कहीं तारीखों का बदलाव किया गया। इस बार कहीं ना कहीं 4 से 6 नवंबर तक पूरा कार्यक्रम रखा जाएगा, और ना केवल जिला स्तर पर बल्कि राजधानी रायपुर में भी एक बड़ा कार्यक्रम होगा। और अगर बात है यहाँ के कार्यक्रम की, तो धमतरी होने वाले कार्यक्रम उसको लेकर समीक्षा बैठक भी की गई, जिसमें वहाँ के कलेक्टर नम्रता गांधी को
इन्होंने बैठक की और साथ ही साथ तमाम जो अधिकारी होंगे दिशा निर्देश भी किया गया और साथ ही साथ दिवाली का पर्व है, दिवाली के पर्व में ध्यान रखते हुए तमाम जो विभाग के जो मुख्यालय हैं उनको कहने के रोशन करने के दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए और साथ ही साथ अगर बात करें कार्यक्रम स्थल की तो वहाँ तमाम जो विभाग है उनकी जो योजनाएं खिलाई जाएगी, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी, साथ ही साथ तमाम ऐसे जो विकास के मॉडल है जो आने वाले समय में देश किए जाएंगे उन सभी विकास के जो कार्य है उनके मॉडल कहना के प्रदर्शित किए जाएंगे और साथ साथ जनता को एक बेहतर राजस्व दिया जाए इसके लिए कई रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी जाएगी। बता दी जिस प्रकार से पूरा कार्यक्रम रखा गया है कहीं ना कहीं इस मान सकते हैं कि राज्योत्सव का पर्व बड़े ही धूमधाम से हर वर्ष मनाया जाए तो जिसके चलते इस बार त्योहार की व्यवस्था के चलते हुए तारीखों का बदलाव भी किया गया है और इस बार 5 नवम्बर को बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जिसे मान सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग आते भी हैं। कहीं ना कहीं जो राज्योत्सव का जो त्यौहार है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है तो दृश्य की जिस प्रकार से इस पर्व जो आयोजन है उसे एक पर्व की तरह मनाया क्योंकि 1 नवम्बर को कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य को अपनी एक पहचान मिली थी उसको मद्देनजर रखते हुए उसी दिन से आज तक प्रदेश में पर्व मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से पर्व मनाया जाता है। जिस तरह तैयारियों का दौर है वो लगातार जारी है। बिल्कुल खास तरीके से और खास अंदाज में इस बार जो है उत्सव मनाया जाएगा और दीपोत्सव के साथ आगाज करने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी से अपील भी की है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पांचवी बड़ी खबर की। उत्तराखंड से ये पांचवी बड़ी खबर है जहां मस्जिद को लेकर लगातार बवाल जारी है, हिंसक रूप इस विवाद ने ले लिया। दरअसल बीते रोज हमने देखा हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया और इतना ज्यादा तनाव बढ़ गया प्रदर्शन के दौरान कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। हालांकि कई लोग इसमें घायल हो गए। इसके बाद हिंदू संगठन के जो लोग हैं सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो मस्जिद है उसको गिराया जाए क्योंकि अवैध तरीके से ये मस्जिद बनाई गई है, अगर ऐसा नहीं होता है तो उग्र आंदोलन भी उनकी ओर से किया जाएगा। हालांकि स्थिति को देखते हुए 163 धारा लागू कर दी गई है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। तो 8 पुलिसकर्मियों समेत 27 लोग घायल हो गए थे। बीते रोज हमने देखा था ये प्रदर्शन किया गया था हिंदू संगठन की ओर से। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बीते रोज की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकजुट हो गए थे और सभी की मांग यही थी कि जो मस्जिद है उसको गिराया जाए, धराशायी उसको किया जाए और जो हालात वहां पर निर्मित हुए उसके बाद पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया। 163 धारा वहां पर लागू कर दी गई और इस धारा के मुताबिक अगर 5 से ज्यादा लोग एक साथ खड़े होते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।